आदित्य जी 25 साल हनुमान जी की, गुरु महाराज की कसम, आज के दिन गुरु गोविंद सिंह की कसम खा के कहता हूँ, मेरी इंक्वायरी का पता नहीं चला क्या ऐसी इंक्वायरी नरेंद्र मोदी जी की होगी। राजीव गांधी का पॉलिटिकल मर्डर था, राजीव गांधी की सुरक्षा हटाने में किसका हाथ था, कोई इंक्वायरी नहीं। ऐसे मेरी, ऐसे राजीव गांधी और ऐसे ही नरेंद्र मोदी। तो फिर सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी, वो भी तो हिट लिस्ट में है, उनका ध्यान कौन रखेगा? उनको भी सोचना है कि हम सब सुरक्षा के मामले में, और पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, उसके लिए हम हर चीज को सोच के करें। जो गलतियां उस वक्त कांग्रेस के टाइम से हमने हुई हैं, हमने बिंद्रा वाला घुसेड़ा था ना हरमंदर साहब में, हमने, हमारे नेताओं ने घुसेड़ा था ना, क्या हुआ? यही था ना मतलब कि सदा पंजाब में राज करेंगे, प्रकाश सिंह बादल अकाली दल को साफ कर देंगे। वो साफ तो नहीं हुए, पर बिंद्रा वाला हम सबको साफ कर गया। 36,000 बेगुनाहों का खून हुआ, 84 के दंगे, गलती किसकी? कोई जाने को तैयार नहीं, मैं उसका गवाह हूं। गलती हमारी, वही गलतियां आज त्यागी जी हम फिर दोहरा रहे हैं। क्या चैनलों पे बहस करनी है, कड़वा सच है। अगर फिर कहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कुछ हो जाता तो दिल्ली नहीं पूरे देश में 84 के दंगों की तरह इतिहास बनता। क्या उसका जिम्मेदार चन्नी होता? क्या उसका जिम्मेदार नवजोत सिंह सिद्धू होता? क्या उसकी जिम्मेदार सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी होते? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जनता से। मेरा बाली से सवाल नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है। मैं मरता मरता बच के एक जिंदा, एक बोनस की जिंदगी का आपके सामने एक गवाह हूँ। ये बाली जी मेरे भाई कहां से बताएंगे? ये पुराने लीडर लाओ कांग्रेस के मेरे सामने बताऊं? मैं फिर कहता हूं त्यागी जी मुठ्ठियां बंद है, प्लीज मुझे छेड़ो मत, मत छेड़ो मुझे, मुठ्ठियां बंद रहने दो। मैं जिस थाली में खाया मैं छेक नहीं करता, पर आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का एक पॉलिटिकल मर्डर और राजीव गांधी का वो पॉलिटिकल मर्डर मुझे याद आता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हालात हो, मेरे देश के अंदर सिख भाइयों का दोबारा नुकसान हो, और मैं बार बार दूसरी वीडियो के